चुनाव के वक्त विपक्ष के दो दो मुख्यमंत्रियों का रास्ता जनता के बीच न जाकर जेल तक पहुंच गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो इस्तीफा तक दे दिया था, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पद नहीं छोड़ा। साथ ही प्रचार के लिए उनको कुछ दिनों की जमानत भी मिल गई। लेकिन विपक्ष के ये मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। इनका आरोप है कि इन्हें फंसाया गया और पीएम मोदी ने इसको एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया कि वो किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। ये कुछ उसी तरह से है जैसे वीपी सिंह के लगाए आरोपों से कांग्रेस को नुकसान हुआ था, या फिर नरसिम्हा राव पर लगे आरोपों से कांग्रेस को नुकसान हुआ था, या फिर मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में तमाम घोटालों के आरोपों ने 2014 में कांग्रेस को 44 पर पहुंचा दिया था। कांग्रेस भी जानती थी कि भ्रष्टाचार का आरोप चिपका तो फिर छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो पीएम मोदी पर सवाल उठाने लगी। लेकिन चुनाव के नतीजों का निष्कर्ष यही है कि लोगों ने पीएम मोदी पर ही भरोसा किया है। उसी तरह मतदाताओं ने पीएम मोदी के इस आरोप पर भी पूरा यकीन किया कि विपक्ष परिवारवाद से त्रस्त है। कि विपक्षी दल बीजेपी पर भी परिवारवादी होने का आरोप लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवारों की पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। लेकिन चुनाव परिणामों को देखकर लगता है कि लोगों ने पीएम मोदी की दी हुई परिवारवाद की परिभाषा को ही सही माना। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक जिस पार्टी में पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार नेतृत्व करता है, वही वंशवाद है। उस हिसाब से कांग्रेस में राहुल गांधी चौथी पीढ़ी हैं, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव दूसरी पीढ़ी हैं, राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव दूसरी पीढ़ी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन दूसरी पीढ़ी हैं, टीएमसी में अभिषेक बनर्जी दूसरी पीढ़ी हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना में उद्धव ठाकरे दूसरी पीढ़ी हैं, जबकि तीसरी पीढ़ी भी तैयार हो रही है। डीएमके में स्टालिन दूसरी पीढ़ी हैं, जबकि तीसरी पीढ़ी भी तैयार हो चुकी है। उस पर से विपक्ष के पीएम मोदी पर बगैर परिवार के होने के आरोप ने मोदी के तेवर को और तीखा बना दिया। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। बस मौका पाकर पीएम मोदी ने चुनावी चौका जड़ दिया और ये नारा देश भर में एक नए नैरेटिव के रूप में फैला दिया कि पूरा देश ही मेरा परिवार है, जिसके कारण मोदी का परिवार वाली बात घर घर तक फैल गई। इन सब के अलावा पीएम मोदी ने देश काल परिस्थिति के हिसाब से कई मुद्दों को बड़ा बना दिया। इंदिरा गांधी के जमाने में हिंद महासागर में जिस कच्छ तिबु द्वीप को श्रीलंका को दे दिया गया था, उसको भी पीएम मोदी ने चुनाव में एक बड़ा सवाल बनाया कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय भूखंड से कोई समझौता हो सकता है। ये यही कांग्रेस है जिसने भारत का एक द्वीप तमिलनाडु के पास कच्चा द्वीपो एक टापू श्रीलंका को दे दिया था। इस देश विरोधी कुकृत्य को कांग्रेस बेसर्मी से जायज ठहरा रही है। कल ही कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा है कच्चा द्वीप जो द्वीप है कच्चा तिबु वो टापू है, क्या वहां कोई रहता है? क्या रहता नहीं तो क्या दे देनी है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में वैसे सवालों को उठाया जो देखने में पहले साधारण से लगे, लेकिन वोटों पर उनकी असाधारण छाप देखने को मिली।